हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विंग से उड़ान। आज हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ रहे हैं वो है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में से। जो पहले जितने टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर लिए बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर में, सारे हमने कंप्लीट कर लिया हुआ है। अब नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, ये टॉपिक मैंने इसलिए पिक किया क्योंकि ये सारे सिलेबस में कॉमन टॉपिक है। जूनियर असिस्टेंट में, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर में और पटवारी में भी ये कॉमन है, ठीक है। इसलिए कंप्यूटर और हार्डवेयर ये दोनों अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। हमें पता है कि इनफैक्ट ये जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ये दोनों ही जरूरत हैं कंप्यूटर को यूज करने के लिए। अगर सॉफ्टवेयर नहीं है तो सिर्फ हार्डवेयर से हम कंप्यूटर को यूज नहीं कर सकते, और अगर हार्डवेयर नहीं है तो हम सिर्फ सॉफ्टवेयर से कंप्यूटर को यूज नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए दोनों की रिक्वायरमेंट है, इनफैक्ट नेसेसरी है, ठीक है। अब देखिए, सॉफ्टवेयर आज मैं जो आपको पढ़ाऊंगा वो सिर्फ सॉफ्टवेयर पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब देखिए, सॉफ्टवेयर में हम पढ़ेंगे, सबसे पहले जब हमें सॉफ्टवेयर पढ़ना है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर किसे बोलते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होता है इनफैक्ट, ठीक है। देखिए इंस्ट्रक्शन, अब कोई भी डेवलपर, अब देखिए डेवलपर वो होता है जो प्रोग्राम को बनाता है, ठीक है। अब आप अगर प्रोग्राम को बना रहे हैं तो आप डेवलपर हैं, ठीक है। अब देखिए, आपने जब एक प्रोग्राम बनाया, जब उसको आपने बनाया, वो नंबर ऑफ लाइंस कोडिंग होती है, नंबर ऑफ लाइन से वो क्या बनता है, एक प्रोग्राम बनता है, ठीक है। उस सिंगल लाइन को आप क्या कह सकते हैं, वो एक सिंगल लाइन क्या होती है, वो इंस्ट्रक्शन होती है। अब उसी तरह दो तीन लाइनों को मिला के क्या बनेगा, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बन जाएगा। उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, दो तीन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को मिला के क्या बन जाएगा, कमांड बन जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको ये एग्जांपल पे समझाता हूं। जैसे ये a मल्टीप्लाई b प्लस सी माइनस डी, ठीक है, ये आ गया। ये आपने प्रोग्राम बनाना है, कंप्यूटर को ये समझाना है कि भाई मैं ये करूंगा तो इसका आउटपुट मुझे जो भी आता होगा, कुछ भी आ रहा है, z आ रहा है सपोज, ये आंसर आपको चाहिए। वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के थ्रू समझाएंगे, वो आपको वही इसका आंसर करके देगा, ठीक है। अब देखिए, ये a एक इंस्ट्रक्शन है, मल्टीप्लाई भी एक इंस्ट्रक्शन है, बी भी एक इंस्ट्रक्शन है। ये आपने सिंगल सिंगल इंस्ट्रक्शन देके क्या बना, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बना, ठीक है। अब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इसी तरह बन के क्या, आपने क्या कमांड दिया, ये तो चलो मैंने, आप इसी तरह एक इंस्ट्रक्शन दो इंस्ट्रक्शन, जैसे सपोज ये a इंटू बी आ गया, ये c इंटू डी आ गया, ठीक है। ये एक इंस्ट्रक्शन आ गई, ये दूसरी इंस्ट्रक्शन आ गई, और कमांड क्या दे रहे हैं आप, मल्टीप्लाई, क्या दे रहे हैं, मल्टीप्लाई, कि हम आपने इसको और इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई, ये एक कमांड आ गई आपकी, ठीक है। उसी तरह इन कमांड्स को, सेट ऑफ कमांड्स को, कमांड्स को, एक कमांड ये आ गई, एक कमांड ये आ गई, ऐसी कमांड मिलके क्या, ये मैं एग्जांपल पे बता रहा हूं आपको, ठीक है। कमांड कुछ भी हो सकता है और इंस्ट्रक्शन भी इनफैक्ट कुछ भी हो सकता है। उन सेट ऑफ कमांड्स को मिलकर क्या, उन कमांड्स को मिलकर क्या बनेगा, सेट ऑफ कमांड्स। उन सेट ऑफ कमांड्स को मिलकर क्या बन रहा है, प्रोग्राम बन रहा है। उसी तरह सेट ऑफ प्रोग्राम्स को मिलकर क्या बनेगा, फाइनली आपका एक सॉफ्टवेयर बनेगा जिसको आप कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे और उसको यूज करेंगे, जिस भी डेवलपर ने जिस पर्पज के लिए उसको बनाया होगा उस हिसाब से आप यूज करेंगे, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया आपको कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। अब पढ़ते हैं यहां पे, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम, इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर। क्या होता है सॉफ्टवेयर, एक प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर को क्या करता है, इंस्ट्रक्ट, उसको बताता है अबाउट द टास्क टू बी परफॉर्म। जो भी उस सॉफ्टवेयर पे, जिस काम के लिए उस सॉफ्टवेयर को आपने बनाया हुआ है, वो काम उसे कंप्यूटर को बताता है कि हां हमें ये काम करके दो, ठीक है। ये काम क्या होता है, सॉफ्टवेयर का काम होता है, ठीक है। अब जैसे आप भी कितनी सारी ऐप डाउनलोड करते हैं, मोबाइल में, लैपटॉप में डाउनलोड करते हैं, जैसे फेसबुक डाउनलोड करते हैं उसका अलग पर्पस होता है, यूट्यूब होता है उसका अलग होता है, व्हाट्सएप होता है उसका अलग होता है, एडोब का अलग होता है, उसके बाद फोटोशूट, फोटोशॉप का कुछ होता है उसका अलग, इन सब का क्या अपना अपना काम है। क्या आप फोटोशॉप में ये कर सकते हैं, व्हाट्सएप का काम नहीं, उसका एक अपना, उसकी प्रोग्रामिंग ही ऐसी हुई है कि वो सिर्फ एडिटिंग करेगा इमेज को, वो और कोई काम नहीं करेगा। उसी तरह इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर अबाउट द टास्क टू बी परफॉर्म्ड, क्या करना। अब नेक्स्ट, इट इज द सेट ऑफ प्रोग्राम ऑफ और इंस्ट्रक्शंस दैट आर फ्लोस इनसाइड द वर्ड जस्ट लाइक अ करंट। देखिए अब घर पे जैसे हमने क्या किया, वो हार्डवेयर हमारे स्विचेस हैं, फैन है, एसी है, उनके अंदर वो इंटरकनेक्टेड किससे होते हैं, वायर से इंटरकनेक्टेड होते हैं। लेकिन जो करंट, अब बिना करंट के तो एसी चलेगा नहीं, बिना करंट के फैन चलेगा नहीं, बिना करंट के कंप्यूटर चलेगा नहीं, तो वो कौन चीज है जो वो करंट उसको चला रहा है, और वो करंट किस में फ्लो कर रहा है, वायर में।
उसी तरह आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर में क्या फ्लो करता है, सॉफ्टवेयर फ्लो करता है, जस्ट लाइक अ करंट। ठीक है, सॉफ्टवेयर इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम दैट कंसिस्ट। सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया इंस्ट्रक्शंस किससे बना होता है, डेटा से, सिंगल सिंगल डेटा से बनके एक इंस्ट्रक्शन बनता है, डेटा इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम, इन सब से मिलकर क्या बनता है आपका, सॉफ्टवेयर बनता है। ठीक है, नेक्स्ट, अब देखिए सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं मेनली सॉफ्टवेयर, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक सेकंड क्या हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए मैं थोड़ा ब्रीफली मैं आपको इसमें बता दूं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फर्क यह होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, वो कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करता है, बट एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर होता है वो क्या करता है, वो किसी स्पेशल टास्क के लिए बनाया जाता है। जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल दे रहा था कि व्हाट्सएप आपके मोबाइल की फंक्शनैलिटी को इंक्रीज नहीं कर रहा है, वो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो सिर्फ उस ऐप का जो पर्पस है, आपकी चैटिंग हो रही है, स्टेटस अपलोड हो रही है, सिर्फ उसका वही काम है, वो आपके मोबाइल को या लैपटॉप की प्रोडक्टिविटी फंक्शनैलिटी को इंप्रूव नहीं कर रहा है। ये मेनली जो डिफरेंस होता है इनका, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, प्रोडक्टिविटी और फंक्शनैलिटी को इंक्रीज करता है, एनहांस करता है, बट एप्लीकेशन स्पेशल टास्क को क्या करता है, वो कंप्लीट करता है। ठीक है, अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के भी आगे दो टाइप्स होते हैं, जनरल पर्पस, कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो जनरल पर्पस होते हैं और कुछ स्पेसिफिक, ये आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ गया कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। It is a special set of programs that are designed to run a computer hardware and application software. देखिए अब इसमें दो चीजें कि जैसे computer hardware और application software, ठीक है, आप देखें आप जब आप laptop लाते हैं घर पे, ठीक है, laptop लाने के बाद क्या करते हैं आप उसमें कोई भी चीज, माउस कनेक्ट करते हैं, कीबोर्ड कनेक्ट करते हैं, प्रिंटर कनेक्ट करते हैं, सीपीयू कनेक्ट करते हैं, स्कैनर कनेक्ट करते हैं, कुछ भी हार्डवेयर आप उसमें कनेक्ट कर रहे हैं, क्या कनेक्ट करने के बाद आप उसकी प्रोग्रामिंग करते हैं, आपको कंप्यूटर को समझाना होता है ये कि हाँ कंप्यूटर, ये कीबोर्ड मैंने इनपुट इसको स्विच किया, अब इसको कैसे चलना, आप उसका प्रो नहीं, वो प्री इंस्टॉल्ड आता है, वो जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर जो बनाते हैं उसमें वो प्री इंस्टॉल्ड होता है, उसको पहले कंप्यूटर को पता होता है कि ये कीबोर्ड लगेगा, उसकी प्रोग्रामिंग पहले वहां पे सेव हुई होती है, माउस की पहले होती है, जो जो उनके फंक्शंस होते हैं वो पहले प्री इंस्टॉल्ड होते हैं। ठीक है, इसलिए कंप्यूटर हार्डवेयर उसको डाटा डिजाइन टू, ये किस लिए बनाए जाते हैं, क्योंकि आप कोई भी कल को अगर हार्डवेयर उसमें लगा रहे हैं, जितने भी रिक्वायर्ड हार्डवेयर है, ठीक है, उन सबकी प्रोग्रामिंग पहले ही होती है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अब भाई आप कोई एप्लीकेशन, अब आप व्हाट्सएप इंस्टॉल कर रहे हैं तो इंस्टॉल करने पे आपको समझाना थोड़ी पड़ रहा है कि चैटिंग मैंने कैसे करनी है, कीबोर्ड कैसे आएगा, कैसे कैसे, वो उस मोबाइल को या लैपटॉप को पता है कि ये व्हाट्सएप अगर इंस्टॉल, उसकी प्रोग्रामिंग ऑलरेडी उसमें इंस्टॉल्ड है, उसको पता है, वो समझता है उस चीज को। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये इसलिए बनाए जाते हैं ताकि इनको कंप्यूटर हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चला सके। ठीक है, इट वर्क्स टू फुलफिल द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ हार्डवर्क, हार्डवेयर कंपोनेंट्स जो अभी पढ़ा हमने, एंड ऑल्सो मेंटेनेंस, और मेंटेन करता है, किसको मेंटेन करता है, कंप्यूटर को मेंटेन करता है, मैनेज, ये आगे हम पढ़ेंगे, इसमें मैनेजमेंट में काम आता है, एनालिसिस एंड कंट्रोल, और रिसोर्सिस को, जो भी आप उसमें रिसोर्सिस कुछ भी अगर लगा रहे हो उसको कंट्रोल भी करता है, उसको मैनेज भी करता है, कैसे मैनेज करना, अब कोई भी आप अंदर फाइल्स, कंप्यूटर में कोई भी फाइल्स अगर आप मैनेज करते हैं तो क्या आपको समझाना नहीं, वो ऑलरेडी उसको आप उसे जैसे जैसे जिस हिसाब से मैनेज करेंगे, डेट के हिसाब से, सॉर्टिंग ग्रुप्स, जैसे भी मैनेज करना आपने, वो सब उसमें प्री इंस्टॉल्ड होता है। ठीक है, उसके बाद टू एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर, वो इंटरफेस का काम करता है। ठीक है, वो किस किस के सिस्टम हार्डवेयर, आपने सिस्टम, आप लैपटॉप, सॉरी लैपटॉप लाए आप, उसमें इंस्टॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर, मैं उसको यूज कर सकता हूं, हार्डवेयर उसको यूज कर सकता है, क्या हमारे बीच में वो क्या बन रहा है, कॉमन ग्राउंड क्रिएट कर रहा है, ताकि हम क्या कर सके, मैं कंप्यूटर को यूज कर सकूं, हार्डवेयर कंप्यूटर को यूज करे, अपना काम बता सके, इसलिए वो क्या करता है, इंटरफेस और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इनके बीच में क्या करता है, इंटरफेस का काम करता है। ठीक है, अब आ गया नेक्स्ट, अब देखें सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स के होते हैं, अब एक फॉर कंप्यूटर मैनेजमेंट, मैंने आपको बताया कैसे मैनेज करना है, क्या क्या काम करना है, किस हिसाब से मैनेज, एक उस
हिसाब से सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप होती है, और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर जो क्या करता है फॉर डेवलपिंग सॉफ्टवेयर, कोई भी सॉफ्टवेयर आपने डेवलप करना है उस सॉफ्टवेयर पे उस पर मदद करता है आपकी। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, आपने कल को कोई सॉफ्टवेयर बनाना है नया, किस पे बनाओगे आप, ठीक है, आप कंप्यूटर पे यूज करके बनाओगे ना, तो हेल्प करता है उस पे आपके बनाने की, ठीक है, वो बनाने। अब पहले मैनेजमेंट में कौन कौन से आ जाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये यहां पे गलत टाइप हो गया हुआ है, डिवाइस ड्राइवर है यहां पे, ठीक है, ड्राइवर्स, ठीक है, डिवाइस ड्राइवर्स है यहां पे, ठीक है, और सिस्टम यूटिलिटी, सिस्टम यूटिलिटी कुछ भी एनहांस करने के लिए, एनहांस क्या, उसकी एफिशिएंसी को एनहांस करने के लिए, उसकी कैपेसिटी को एनहांस करने के लिए उनको यूटिलिटीज, ये आगे हम पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। हम नेक्स्ट कौन सा आ गया, डेवलपिंग सॉफ्टवेयर में कौन सा आता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमने पढ़ा हुआ है, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, उसके बाद ट्रांसलेटर भी हमने पढ़ा हुआ है, असेंबलर क्या होता है, कंपाइलर, ये सारे ट्रांसलेटर हैं, और लिंकर और लोडर भी। देखिए एमसीक्यूज में ये याद रखिएगा, मैंने आपको ओवरऑल ये सारा बता दिया हुआ कि कल को एमसीक्यूज आएगा, कुछ स्टूडेंट्स को ये नहीं, ये तो चलो सबको पता होता है क्योंकि एमसीक्यूज इस हिसाब से आएगा, इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो लिंकर लोडर इनको भी याद रखिएगा कि ये भी क्या है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं आहिस्ता आहिस्ता इन सब को, ऑपरेटिंग सिस्टम को, डिवाइस ड्राइवर को, सिस्टम यूटिलिटीज, ये क्या क्या होते हैं, अब हम इनको पढ़ते हैं, ठीक है। पहला आ गया ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम हमें पता है क्या होता है, हमने पहले भी थोड़ा पढ़ा था, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो हमारे पूरे मेन, जो हमारा क्या होता है उसको सोल बोलेंगे आप, सोल ऑफ द कंप्यूटर होता है कि जो जिसके बिना आप कंप्यूटर को चला ही नहीं सकते, ठीक है। इट इज अ प्रोग्राम विच कनेक्ट्स द यूजर, जो हमें कनेक्ट करता है किसके साथ, कंप्यूटर हार्डवेयर को कनेक्ट करता है, कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करता है। ये भी हमने पढ़ा हुआ है कि पीसी जब बूटिंग के वक्त क्या होता है, बूटिंग के वक्त क्या होता है कि वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको लोड करता है वो, तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा तो क्या बूट होगा, नहीं हो पाएगा बूट, ठीक है। एग्जांपल्स में क्या आ गया, विंडो, उसके बाद विंडो एक्सपी, विंडो 8, विंडो 10, विंडो 8.1, विंडो विस्टा, लिनक्स आ गया, यूनिक्स आ गया, डॉस आ गया, ये सारे किसकी एग्जाम्पल है, ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जाम्पल है, ठीक है। अब देखिए ये नाम से भी पता चलता है कि ये ऑपरेट, सिस्टम को ऑपरेट करने में हेल्प करता है, इसलिए इसका नाम क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ये सारी इनकी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया डिवाइस ड्राइवर, अब देखिए डिवाइस ड्राइवर, अब ड्राइवर का मतलब क्या है, ड्राइवर का मतलब यहां पे है प्रोग्राम, ठीक है। अब आपने कभी भी देखा होगा, कभी आप लैपटॉप के साइड में पोर्ट्स होते हैं, ठीक है, वो उनमें से कुछ कभी आपका ईयरफोन कनेक्ट नहीं हो रहा होता या फिर कुछ पोर्ट्स नहीं चल रहे होते, फिर वो क्या करते हैं, आप अगर किसी मैकेनिक के पास ले जाएंगे जिसको ठीक करना आता है कंप्यूटर, वो क्या करेगा, इसके ड्राइवर्स को, उसके प्रोग्राम को डाउनलोड करेगा, ठीक है, फिर आपका वो चलना शुरू हो जाएगा, जो भी माइक्रोफोन होगा या फिर कुछ भी आप यूएसबी कनेक्ट कर रहे हैं उसके साथ, ठीक है। तो इसीलिए ड्राइवर्स का क्या काम होता है, डिवाइस, कोई भी आप डिवाइस जो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं उसका प्रोग्राम, ठीक है, वो इंस्टॉल्ड होता है किसमें, वही सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, वो इंस्टॉल्ड होता है किसमें, प्री इंस्टॉल्ड होता है। जब आप लैपटॉप खरीदते हैं लाते हैं क्या आप इंस्टॉल करते हैं, नहीं, वो पहले ही इंस्टॉल्ड होता है, ठीक है। डिवाइस ड्राइवर एक्ट एज अ ट्रांसलेटर, क्या ट्रांसलेटर, बिटवीन द हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर, ठीक है। हार्डवेयर हो गया आपका, माउस आपने कनेक्ट किया, कीबोर्ड कुछ भी कनेक्ट कर रहे हैं आप, उसका वो क्या कर रहा है, वो सॉफ्टवेयर को बता रहा है किस किस हिसाब से यूज है, दैट यूजेस द डिवाइस, इन अदर वर्ड्स इट इंटरमीडिएट बिटवीन द डिवाइस, जो भी आप डिवाइस कनेक्ट कर रहे हैं, एंड द सॉफ्टवेयर इन ऑर्डर टू यूज द डिवाइस, ताकि उस सॉफ्टवेयर को पता चल सके कि हाँ भाई आपने ये डिवाइस कनेक्ट किया है, समझो इस डिवाइस को और इसकी फंक्शनैलिटी को बताओ, उसके हिसाब से उसको यूज करो, ठीक है। अब एग्जांपल्स में जैसे माउस का, माउस ड्राइवर आ गया, कीबोर्ड ड्राइवर आ गया, साउंड ड्राइवर आ गया, प्रिंटर ड्राइवर आ गया, एटसेट्रा, ठीक है, उसी तरह स्कैनर ड्राइवर आ गया, कुछ भी आप लगा लें, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है सिस्टम यूटिलिटीज, अब देखिए सिस्टम यूटिलिटीज में क्या हो गया, मैंने आपको बताया कि आप इसमें क्या करते हैं, अपने साइज को एनहांस करते हैं, आप उसमें कुछ वायरस आ गया उसमें, मतलब उसकी उसकी क्या बोलेंगे आप, उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर, मेंटेन करने के लिए, जब आप कंप्यूटर यूज करते हैं ज्यादा, कभी हैवी हो जाता है, कभी वो स्लो हो जाता है, इतना प्रॉपरली वर्क नहीं करता, कभी उसमें बहुत ज्यादा
एक्स्ट्रा फाइल्स आ जाती हैं, एक ही फाइल्स मल्टीपल फाइल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, वायरस आ जाता है, ठीक है, उस तरह एक्स्ट्रा स्पेस आ जाती है, कुछ भी हो सकता है, उनको क्या करता है ये कंप्यूटर को मेंटेन करने में यूटिलिटी काम आती है, ठीक है, आर यूज फॉर सपोर्टिंग एंड एनहांसिंग द प्रोग्राम। वो क्या करता है, प्रोग्राम एंड द डेटा इन कंप्यूटर, क्या करता है, उनको सपोर्ट भी करता है और उनको एनहांस भी करता है। यूटिलिटीज में कम एम्बेडेड, कुछ सिस्टम यूटिलिटीज क्या होते हैं, वो एम्बेडेड, एम्बेडेड का मतलब होता है मदरबोर्ड के साथ ही आती हैं वो, ठीक है, कंप्यूटर के साथ ही इनबिल्ट आती हैं, लेकिन कुछ क्या होती हैं, आपको लेटर ऑन उनको क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है, ठीक है, ताकि आपकी एफिशिएंसी जो है कंप्यूटर की उसको एनहांस, उसको इंक्रीज करने के लिए ऐड करना पड़ता है। जैसे एंटीवायरस, कुछ एंटीवायरस आपको पहले देते हैं, उसका लाइसेंस देते हैं, ठीक है, बट वो एक साल के बाद एक्सपायर हो जाता है, ठीक है, उस एम्बेडेड नहीं आता, वो आपको फ्री एक्स्ट्रा मिलता है, वो एक्स्ट्रा सर्विस है आपकी, ठीक है, एम्बेडेड नहीं, एम्बेडेड का मतलब तब होता है जब वो आपको परमानेंटली, जब तक आपका लैपटॉप, जैसे विंडो आप खरीद रहे हैं, आप कोई लैपटॉप अगर आप परचेज कर रहे हैं, डेल का, एचपी का, लेनोवा का, किसी का भी, ठीक है, परचेज, उसमें जो आपको विंडो मिल रही है, ठीक है, वो आपकी लाइफ टाइम तक है, जब तक करप्ट नहीं होती, ठीक है, लेकिन जो लाइसेंस है, सॉरी, जो एंटीवायरस आप एंटीवायरस है, वो आपको एक्स्ट्रा सर्विस दे रहे हैं, ठीक है, वो साल का लाइसेंस होगा, दो साल का होगा, लेकिन उसके बाद जब वो एक्सपायर हो जाएगा, तब आपने क्या करना है उसको, आपने दोबारा उसको परचेज करना, उसका लाइसेंस लाना, उसके बाद उसको यूज करना है, ठीक है। अब एग्जाम्पल सिस्टम यूटिलिटीज की, कुछ एंटीवायरस क्यों कर लेते, डाउनलोड करते हैं, ताकि वायरस जो आ जाते हैं उनको क्या करते हैं, हम रिमूव करने के लिए, डेटा कंप्रेशन, डेटा अगर हमारे पास कुछ फाइल्स की कुछ ज्यादा, कई बार आपने देख, आप खुद भी करते होंगे, कोई फाइल आप सेंड करते हैं या फिर उसको जिप फॉर्मेट में या फिर उसको कंप्रेस करते हैं, उसका साइज बड़ा होता है तो आप उसको क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, वो भी एक यूटिलिटी होती है, ठीक है। और क्रिप्टोग्राफिक यूटिलिटी क्या होता है, कोई भी फाइल जिसको आप कोड करें ताकि कोई और उसको पढ़ ना, उसको टू एनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट द फाइल्स, इसका काम क्या होता है, कोई भी आप फाइल रख रहे हैं, कुछ भी आप फाइल को क्या कर रहे हैं, उसको इस हिसाब से रखना चाहते हैं कि ताकि कोई उसे समझ ना पाए ये फाइल कौन सी, आप उसको पहले एनक्रिप्ट करके रखेंगे, ताकि उसको आप मतलब कोड करेंगे और उसको खुद डिकोड करेंगे, वो किसके हेल्प से करेंगे, इसके क्रिप्टोग्राफिक की हेल्प से करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट डिस्क कंप्रेशन, डिस्क कंप्रेशन, पहला हमने पढ़ा था डेटा कंप्रेशन, अब कौन सा है डिस्क कंप्रेशन। डिस्क कंप्रेशन में क्या आ जाएगा, टू कंप्रेस कंटेंट्स ऑफ ए डिस्क फॉर इंक्रीजिंग, कोई डिस्क जो आप लाते हैं जिसकी कैपेसिटी होगी 50 GB, जितनी भी कैपेसिटी है उसकी, उसका साइज अगर ज्यादा रफली, अगर उसके एक्स्ट्रा स्पेस है, आप उसके जो भी डेटा उसको कंप्रेस करेंगे और डिस्क की कैपेसिटी को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। डिस्क पार्टिशनिंग, ठीक है, सिंगल ड्राइव, ऐसे कोई डिस्क है, आप उसको क्या करेंगे, मल्टीपल ड्राइव में डिवाइड कर देंगे, ABCD, ठीक है, मल्टीपल ड्राइव में, ताकि सब में अलग फाइल सेव हो, ठीक है, काम सबका डिस्क ये अंदर एक ही डिस्क के अंदर होंगे, लेकिन इनके क्या आप फाइल्स अलग अलग में सेव कर सकते हैं, थोड़ा अलग मैनर में रख सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद डिस्क क्लीनर, टू फाइंड फाइल्स दैट हैव नॉट बीन यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट हेल्प्स द यूजर टू डिसाइड व्हाट टू डिलीट व्हेन द हार्ड डिस्क इज फुल। जब आपका ये क्या काम करता है कि जब आपकी फाइल्स, अगर कोई डुप्लीकेट फाइल जनरेट हो जाती है या फिर कोई करप्टेड फाइल है जो आपकी वहीं पे है जिसकी जरूरत नहीं है, या फिर बहुत टाइम से अगर कोई फाइल पड़ी हुई है आपकी, अब मुझे एक ऐप का याद नहीं, ये गूगल का एक आता है आजकल, जो क्या करता है कि वो आपकी डुप्लीकेट फाइल्स को बताता है, ताकि उसको क्या कर सके, आप जो भी डबल फाइल्स हैं आपकी आप उसको डिलीट कर सकें, ठीक है। हमारे पास पहले एक फाइल खुद भी होती है, जब हम व्हाट्सएप में मल्टीपल आगे मेंबर्स को सेंड करते हैं तो और फाइल्स उसकी जनरेट हो जाती है, वो एक्स्ट्रा स्पेस कवर करता है, ठीक है। उसके लिए डिस्क क्लीनर आ गया। बैकअप यूटिलिटी, जो आपकी फाइल्स हैं उनको बैकअप बनाना, ताकि कल को आपकी अगर कहीं करप्टेड हो जाए या लॉस्ट हो जाए तो आप क्या कर सकें, बैकअप कर सकें। और सिस्टम प्रोफाइलिंग क्या हो गया, प्रोवाइड्स डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड, जो भी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल, जो भी ऐप आप इंस्टॉल, कुछ भी इंस्टॉल कर रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन देगा, और कोई भी आप सॉफ्टवेयर क्या कर रहे हैं, हार्डवेयर अटैच कर रहे हैं, उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको देगा, ठीक है। इस पे हमने, ये खत्म होने पे हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर का, फ्रॉड मैनेजमेंट का जो काम, सॉफ्टवेयर के अंदर दो पढ़े ना हमने, एक कंप्यूटर मैनेजमेंट और फॉर डेवलपिंग सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर मैनेजमेंट तक का यहाँ पे जो मैनेज कर रहे थे कंप्यूटर को, वहां तक का यहाँ पे काम खत्म हो गया। अब क्या काम आता है हमारा, फॉर डेवलपिंग सॉफ्टवेयर, जो क्या करते हैं दूसरे सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में हेल्प करते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ वोकैबुलरी
एंड ग्रामेटिकली रूल्स। अब देखिए वोकैबुलरी आजकल जो हाई लैंग्वेज आती है इसमें आप ग्रामर यूज करते हैं हम उसमें, ठीक है, क्यों, हमने तभी तो हाई लेवल लैंग्वेज बनाई है ताकि हम इजिली समझ पाए, उसको इजिली बना पाए, समझ पाए। अल्टीमेटली तो चलो हमने उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना ही होता है, लेकिन अपनी ईज के लिए हम क्या करते हैं उसको वोकैबुलरी वर्ड्स यूज करते हैं ग्रामेटिकली रूल्स के हिसाब से, टू एक्सप्रेस द कंप्यूटेशन एंड टास्क दैट द कंप्यूटर हैज टू परफॉर्म अल्टीमेटली बनाने के लिए, ताकि वो क्या करें, जो भी काम हम बनाते तो अल्टीमेट प्रोग्राम इसीलिए ना, ताकि कंप्यूटर को समझा सके, कंप्यूटर के थ्रू काम करवा सकें, ठीक है। इट यूजली रेफर्स टू अ हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज में ही वोकैबुलरी और ग्रामेटिकल का यूज होता है, जैसे कोबोल आ गया, बेसिक, फोर्ट्रॉन, C++, ये एटसेट्रा, ये सारी लैंग्वेजेस हैं जो क्या करती हैं, जिनको यूज करके हम प्रोग्राम आजकल बनाते हैं। अब लैंग्वेजेस भी हमने पहले पढ़ा हुआ है, मशीन लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज होती है, जो लैंग्वेज कंप्यूटर समझता है, जो टफ लैंग्वेज होती है, जो 0-1 की फॉर्म में होता है, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 की लैंग्वेज को ही समझता है। इट इज व्हाट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड, इट इज बट इट इज डिफिकल्ट फॉर द प्रोग्रामर टू अंडरस्टैंड। जो प्रोग्रामर, जो डेवलपर है, हमारे लिए ये टफ है, लेकिन कंप्यूटर के लिए आसान है। मशीन लैंग्वेजेस कंसिस्ट ऑफ नंबर, 0 और 1 नंबर से ही बनी होती है, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज कौन सी होगी, फॉल्स इन बिटवीन मशीन लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज, दे आर सिमिलर टू मशीन लैंग्वेज बट इजियर टू प्रोग्राम इन, थोड़ी इजी होती है, टफ ये भी होती है, बट कंपैरेटिवली मशीन लैंग्वेज की इजी होती है, बिकॉज दे अलाउ द प्रोग्रामर टू सब्स्टिट्यूट नेम्स फॉर इट। कुछ आप उसमें 0-1 की बजाय कुछ अल्फाबेट्स, कुछ नेम्स का यूज कर सकते हैं, इसलिए उससे थोड़ी सी कंपैरेटिवली इजी होती है। ओए, हाई लेवल लैंग्वेज कौन सा आ गया, इट इज इजियर टू अंडरस्टैंड एंड यूज फॉर द प्रोग्रामर बट डिफिकल्ट फॉर द कंप्यूटर, कंप्यूटर के लिए मुश्किल होती है, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, इसीलिए हम ट्रांसलेटर का यूज करते हैं, ताकि हम क्या कर सकें, कंप्यूटर को समझा सकें। इट इज, अब ट्रांसलेटर क्या होते हैं, ये हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्लीट हो गया, क्योंकि ये लैंग्वेज हम यूज करते हैं प्रोग्राम बनाने के लिए, इसलिए ये किसके अंदर आता है, डेवलपिंग सॉफ्टवेयर के अंदर। फॉर ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर, इट इज यूज टू कन्वर्ट अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज इनटू अ फॉर्म दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। कोई भी असेंबली लैंग्वेज में अगर हमने कुछ प्रोग्राम बनाया हुआ है या हाई लेवल लैंग्वेज में बनाया हुआ है, उसको कन्वर्ट करने के लिए, ताकि उसको कंप्यूटर समझ पाए, हम क्या करते हैं, ट्रांसलेटर का यूज करते हैं। असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ये आप सबको पता है, असेंबलर वो होता है जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, कंपाइलर वो होता है जो क्या करता है, पूरा का पूरा प्रोग्राम को वन गो में क्या करता है, चेंज करता है मशीन लैंग्वेज में, और इंटरप्रेटर क्या होता है, जो सिंगल सिंगल लाइन को मशीन लैंग्वेज में इंटरप्रेट करता है, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट हमारा ट्रांसलेटर भी कंप्लीट हो गया, मैंने उनको तभी एक्सप्लेन नहीं किया हुआ वहां पे, ठीक है, इतना आप समझते हैं तो ज्यादा थ्योरी की जरूरत नहीं है वहां पे आपको, ठीक है, इसलिए मैंने एक्सप्लेन नहीं किया हुआ उनको। और लिंकर क्या होता है, अब लिंकर देखिए, लिंकर इट इज अ प्रोग्राम दैट लिंक्स, ये भी किसके अंदर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सॉरी सिस्टम सॉफ्टवेयर, और ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर। इट इज अ प्रोग्राम दैट लिंक्स सेवरल ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स एंड लाइब्रेरीज टू अ सिंगल एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। देखिए अब एग्जांपल के तौर पे, ये अगर कोई आपकी फाइल है, इसके अंदर मल्टीपल फाइल्स ऐसे पड़ी हुई हैं, ठीक है, अब आपने ये यूज करनी है और ये नहीं यूज करनी, या फिर ये दोनों यूज करनी है, ये नहीं यूज करनी, आप क्या करते हैं, इसको इस फाइल के साथ इनको लिंक कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको जब भी ये यूज करते हुए ये यूज करनी है, तब आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। इसी तरह क्या करते हैं, लिंक करते हैं आप एक दूसरे को, उन मॉड्यूल्स को, ये मॉड्यूल्स को क्या करते हैं, लिंक करते हैं एक दूसरे के साथ, ताकि आपका प्रोग्राम क्या हो जाए, फास्ट हो जाए, इसीलिए लिंकर का ये काम होता है, ठीक है। और लोडर का क्या काम होता है, लोडर सॉफ्टवेयर इज यूज टू लोड, इसका क्या काम होता है, ये प्रोग्राम को, ये कोई भी एग्जीक्यूट कुछ भी इंस्ट्रक्शन को लोड करता है, कहां पे लोड करता है, रैम में लोड करता है, क्योंकि आपको पता है कंप्यूटर जब भी आप यूज करते हैं उसमें जो भी काम करते हैं वो सब काम किसके ऊपर होता है, रैम के ऊपर होता है, तो ये क्या करता है, लोडर मेन मेमोरी में कुछ भी पड़ा होता है उसको क्या करता है, लोड करता है रैम पे, ताकि आप उसको यूज कर सकते हो, उसको वापस से रीलोड करता है मेन मेमोरी में। लोकेट द एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम मतलब जो आप जिस पे आप काम करना चाहते हैं, इन द मेन मेमोरी और लोडेड इनटू द मेन मेमोरी ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन लोडेड असेंबली, फिर वो स्पेस भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि आप जब स्पेस, आपको रैम के ऊपर काम करना है अगर, तो रैम के ऊपर स्पेस मिलनी चाहिए ना आपको, तभी तो उसके ऊपर काम होगा ना, तो इनडायरेक्टली वो भी ये काम करता है, ठीक है। अब यहां पे हमारा क्या खत्म हो जाता है, सिस्टम
सॉफ्टवेयर, और अब सेकंड टाइप क्या थी, सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमने पढ़ा ये दो तरह के होते हैं, कौन से, जनरल पर्पस और स्पेसिफिक पर्पस। जनरल पर्पस हो गया जो तकरीबन ओवरऑल सब काम के लिए काम आते हैं, और स्पेसिफिक पर्टिकुलर टास्क के लिए काम आते हैं। ठीक है, अब देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मैंने आपको पहले क्या बताया था, ये क्या करता है, ये आपका स्पेशल पर्पस किसी लिए काम टास्क को कंप्लीट करने के। अब देखिएगा, द सॉफ्टवेयर डाटा यूजर यूजेस फॉर अकम्प्लिशिंग अ स्पेसिफिक टास्क। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में बी अ सिंगल प्रोग्राम और अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स, या फिर कोई सिंगल प्रोग्राम होगा या फिर सेट ऑफ प्रोग्राम्स होगा। अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स डाटा रिटन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस एंड प्रोवाइड द रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर पैकेज। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर ऑल्सो कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, एंड यूजर प्रोग्राम भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अब टाइप्स में आ जाते हैं, जनरल पर्पस टाइप और स्पेसिफिक। ठीक है, अब देखिए जनरल पर्पस, दो सॉफ्टवेयर विच आर यूज फॉर एनी जनरल पर्पस के लिए। ठीक है, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। अब वर्ड प्रोसेस, ये गलत लिख दिया हुआ है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग, स्टोरिंग, प्रिंटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, जनरल पर्पस, आप कोई भी वर्ड बना सकते हैं, कोई भी, आपने जैसे नोट्स बनाने हैं आपने, या फिर कुछ लेटर लिखना है आपने, जनरल पर्पस के लिए काम आ रहा है। ठीक है, वो क्या करता है, क्रिएट भी करता है, स्टोर भी करता है, और प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं आप उसका। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, वर्ड परफेक्ट हो गया, एप्पल वर्क्स हो गया, एटसेट्रा, और भी एग्जाम्पल्स होंगे। ठीक है, आप भी खुद कहीं अगर आपको दिखे देख ले इतने एग्जाम्पल। ये क्या काम आती है, वर्ड प्रोसेसिंग के काम आती है। ये कौन से हैं, जनरल पर्पस के अंदर आते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। अब नेक्स्ट आ गया इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स। देखिए स्प्रेडशीट्स का मतलब होता है जिनको आप टेबुलर फॉर्म में लगते हैं, टेबुलर ये फॉर्म होती है। ठीक है, इस फॉर्म को टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, कोई भी डेटा आप टेबुलर फॉर्म में लिख रहे हैं इस फॉर्म में, अब ये स्प्रेडशीट्स है, लेकिन जब आप इसको डिजिटली करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट हो जाती है। ठीक है, जब आप उसको कंप्यूटर में कर रहे हैं तो वो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट हो गया। अब इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एक्सेप्ट डाटा इन ए टेबुलर फॉर्म, इस फॉर्म में लिखता है, एंड अलो यू टू क्रिएट एंड मैनिपुलेट स्प्रेडशीट, अपने हिसाब से आप उसको क्रिएट, जितने भी आपने साइज की बनानी है, किस तरह की बनानी है, क्या करना है, वो सब वहां पे होता है। जैसे एमएस एक्सेल हो गया, फॉर्मूला होता है, आपने किया होगा, ये हम पढ़ेंगे, ये इंडिविजुअल टॉपिक्स हैं, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, उसके बाद पावर पॉइंट, ये सारे। ठीक है, कोरल क्वार्टर हो गया, ठीक है, एटसेट्रा। और प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कौन सा होता है, ये इज द प्रैक्टिस ऑफ शोइंग एंड एक्सप्लेनिंग द कंटेंट्स ऑफ ए टॉपिक ऑफ इट। अब देखिए आप जब ग्रेजुएशन में रहे होंगे या फिर ट्वेल्थ में, आजकल कुछ भी कहीं पे भी आप क्या करते हैं, वहां पे आपको टास्क या फिर आपको एक प्रोजेक्ट मिलता है कि किसी भी आप टॉपिक को देते हैं वो आपको, और उनको क्या करना है, आपने एक्सप्लेन करना है, कहीं पे भी कुछ भी करना है, तो आप मोस्टली क्या करते हैं, हम प्रोजेक्टर लगा के पीपीटी फाइल बनाते हैं, प्रेजेंटेशन क्यों बनाते हैं, ताकि वो अट्रैक्टिव लगे, ताकि जब आप एक्सप्लेन कर रहे हो उसमें आप इमेजेस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी क्रिएशन में यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, वो यूज करेंगे तो इजिली अंडरस्टैंडेबल भी होता है और साथ में अट्रैक्टिव भी होता है, तो इसलिए प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर वही होता है। ठीक है, अब गुड लर्नर ये आ गया, ठीक है, प्रेजेंटेशन वो आ गया, एग्जाम्पल एमएस पावर पॉइंट और कोरल प्रेजेंटेशन एटसेट्रा। अब डेटाबेस मैनेजमेंट में क्या आ जाएगा, हमने जिनमें क्या करते हैं, डेटा को मैनेज करते हैं, रेफर टू दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉर्टिंग, मेंटेनिंग एंड यूटिलाइजिंग अ डेटा, कोई भी डेटा किसी भी कंपनी का डेटा, उनको मैनेज करना, या फिर किसी प्राइवेट कंपनी का या फिर शॉप का, किसी का भी डेटा को मैनेज करना। ठीक है, एमएस एक्सेस हो गया, एसएस हो गया, सॉरी माई एसक्यूएल हो गया, उसके बाद कोरल पैराडॉक्स हो गया। अब डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट आउट, प्रिंट डिजाइनर, जैसे ब्रोशर आप निकालते हैं, कोई भी ब्रोशर आप इंस्टीट्यूट वाले निकालते हैं, जैसे विंग्स हम निकालेंगे, कोई भी ब्रोशर निकालेंगे, पैम्फलेट निकालेंगे, मैगजीन, उनके लिए क्या करते हैं हम, ये इसका यूज करते हैं, जैसे क्वार्क एक्सप्रेस और स्क्राइबस हो गया एटसेट्रा। उसके बाद ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, इनको क्या करते हैं, इमेज एडिट करने के लिए ये सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, एनेबल्स अ पर्सन टू मैनिपुलेट विजुअल इमेजेस ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम। मोस्ट ग्राफिक्स हैव द एबिलिटी टू इंपोर्ट, ये सिंगल होगा, ठीक है, टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट वन और मोर ग्राफिक फाइल फॉर्मेट। ठीक है, आप क्या करेंगे, ये सॉफ्टवेयर क्या होगा, आपकी इमेज को, ठीक है, एडिट कर सकते हैं आप, उसको किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं उसका, उसके साथ जैसे Adobe Photoshop हो गया, Picasa हो गया, Microsoft Publisher हो गया, ठीक है, एटसेट्रा।
उसके बाद मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, ठीक है, जैसे वीएलसी मीडिया प्लेयर, मैक्रो, इन सब का क्या होता है, ये पर्टिकुलर काम, ठीक है, टेक्स्ट को, ऑडियो को, स्टिल इमेजेस को, एनिमेशन को, वीडियो को एटसेट्रा, उनके लिए क्या होते हैं, ये सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर। अब नेक्स्ट कौन सा है, स्पेसिफिक पर्पज सॉफ्टवेयर। ये कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं जो स्पेशल सिर्फ किसी पर्टिकुलर टास्क के काम पे आते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम एंड परचेजिंग सिस्टम। इन्वेंटरी इज अ लिस्ट ऑफ गुड्स एंड मटेरियल। इन्वेंटरी क्या होता है, जिसमें गुड्स जो भी अगर एंड मटेरियल्स, अगर कोई भी स्टॉक, कोई भी आप कंपनी, जैसे मोबाइल की कोई शॉप है, कोई क्लॉथ्स की शॉप है, किसी और यूटेंसिल्स की है, उसमें कितना स्टॉक आया, कितना गया, कितना कितने कब आया था, उस सारा का जो मैनेज करते हैं वो किसमें, इंटरनल मैनेजमेंट एंड सिस्टम परचेजिंग सिस्टम है। जैसे फिश बॉल एडवांस, देखिए सिर्फ स्पेसिफिक पर्पज के लिए, इसको आप किसी और चीज के लिए यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसको किस लिए यूज करेंगे, उस स्टॉक की लिस्ट को मेंटेन कर, कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, कब कितनी देर तक पड़ा हुआ है, कितना। और पेरोल आपको याद होगा, ये हमने पढ़ा था, किसके लिए, हम सैलरीज होगी, वेजेस हो गए, उनको क्या करते हैं, मेंटेन करने के लिए, किसको कब दिया, कितने दिया, कितने पेंडिंग है, कब देनी है। इट इज यूज्ड बाय ऑल मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन टू एनकंपास एवरी एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हु रिसीव्स रेगुलर वेजेस और अदर कंपनसेशन, नेमली अल्टी प्रो, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स आ गई, देखिए इसका आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, थोड़ी थोड़ी एग्जाम्पल्स आप इसके रखें इसको, क्योंकि एग्जाम्पल्स पे भी आ सकता है, और बेसिकली ये आएगा कि हाँ कौन सा सॉफ्टवेयर सिस्टम है, कौन सा एप्लीकेशन है, इस हिसाब से आते हैं, ठीक है। होटल मैनेजमेंट, होटल की एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंट्स, बिलिंग, मार्केटिंग, हाउसकीपिंग, फ्रंट ऑफिस, फ्रंट डेस्क, इन सबको मैनेज करने के लिए पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क के लिए होटलोजिक्स और जूबो और पीएमएस, ये सारे हैं, ठीक है। रिजर्वेशन सिस्टम, स्टोर, रिट्रीव इंफॉर्मेशन एंड कंडक्ट ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू एयर ट्रेवल्स, होटल्स, कार रेंटल एंड अदर एक्टिविटीज, जैसे यात्रा, ये तो आपको पता होगा www.yatra.com, मेक माई ट्रिप, इसमें क्या करते हैं, सारा आपको रूम की बुकिंग हो जाती है, आपको कुछ डिटेल्स चाहिए, रूम दिख जाता है, हर चीज उसका मेंटेन करने के लिए ये क्या करते हैं। रिपोर्ट कार्ड जनरेटर, जो आजकल स्कूल्स में यूज किया जाता है, हर स्टूडेंट की रिपोर्ट, कितना उसके मार्क्स आए, टर्म फर्स्ट में कितने थे, सेकंड में कितने थे, उसके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग एक जनरेट करते हैं मार्क्स कार्ड, रिपोर्ट कार्ड जनरेट करते हैं, उसके लिए काम आता है। और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर क्या हो गया, अकाउंट्स, कितना पेबल, कितना पेंडिंग है, कितना रिसीव किया है, क्या है, उन सब के लिए प्रॉफिट बुक आ गया, मार्क आ गया। उसके बाद बिलिंग सिस्टम, इट हैंडल्स द ट्रैकिंग ऑफ लेबल्ड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज डिलीवर टू अ कस्टमर, और कितना आप कौन से, कितना सेल हो, कस्टमर को कौन सा प्रोडक्ट जा रहा है, उसके ऊपर लेबल लगा हुआ, कौन कौन सा, उन सबको हैंडल करने में बिलिंग मैनेजर आ गया, ट्रैकर आ गया, वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर टू असेस द वर्ल्ड वाइड वेब, ये भी आपको पता है, ये लास्ट में आया था फुल फॉर्म, इसको www की फुल फॉर्म याद रखिएगा, वर्ल्ड वाइड वेब है, वर्ल्ड वेब वाइड नहीं है, वर्ल्ड वाइड वेब, इसको किसी तरह भी आप अपने हिसाब से याद रख लें, OIE करके याद रख लें, ऐसे याद रख लें, किसी हिसाब से भी आप OE करके, जैसे भी आपको याद रखे, ठीक है, याद रहे आपको, ठीक है। टू असेस द वर्ल्ड टू सर्च डॉक्यूमेंट्स इमेजेस, इनको लिए ये भी स्पेशल टास्क के लिए काम आते हैं, ठीक है। और उसके स्पेसिफिक, और CAD और CAM सॉफ्टवेयर आ गया, जिसमें आर्किटेक्ट डिजाइन करते हैं अपनी बिल्डिंग्स के ब्लूप्रिंट्स को निकालते हैं, इन सब के लिए क्या करते हैं वो। अब इसमें डेफिनेशन भी, ये कंप्यूटर एडिड डिजाइन हो गया, कंप्यूटर एडिड मशीन मैन्युफैक्चरिंग हो गया, AutoCAD, इनको ऐप, ये सॉफ्टवेयर है जिनको यूज करके ये काम किया जाता है, ब्लूप्रिंट स्ट्रक्चर क्रिएट किए जाते हैं, Autodesk एटसेट्रा। और सूट ऑफ सॉफ्टवेयर, आपको भी लग रहा होगा शायद मैं थोड़ा तेज तेज, ये इसकी जरूरत नहीं है, मैं थोड़ा आपको हिंट दे रहा हूं, समझा रहा हूं, इनफैक्ट आप इसको खुद भी पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। बस आपको ये याद रखना है कि ये कौन कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं और सिस्टम सॉफ्टवेयर में के अंदर आते हैं। सूट ऑफ सॉफ्टवेयर क्या हो गया, जिनमें आपको पता है ऑफिस, एमएस ऑफिस आता है, उसके अंदर मल्टीपल सॉफ्टवेयर होते हैं, वर्ड होता है, प्रेजेंटेशन होता है, उसके पावर पॉइंट होता है, ये सारे उनको बोलते हैं सूट ऑफ सॉफ्टवेयर। सूट, जैसे एक सूट होता है ना, आपने सूट डाला हुआ है शादी के लिए, या किसी सूट आप उसको सिलवाते हैं, तो उसमें सूट में क्या क्या आता है, पैंट आती है, उसके बाद ब्लेजर आता है, या कोट आता है, या शर्ट आती है, या टाई आती है, ठीक है, ये सारे उसी तरह का सूट। एक सूट ऑफ सॉफ्टवेयर में क्या होगा, एमएस ऑफिस जैसे एक आ गया, उसमें क्या होगा, प्रोसेसर भी होगा, स्प्रेडशीट भी होगा, प्रेजेंटेशन भी होगा, पावर पॉइंट भी होगा, ये सारे, गूगल डॉक्स आ गया, एप्पल आई वर्क आ गया, ठीक है, ये आ गया।
तो ये यहां पे हमारा सॉफ्टवेयर के सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमारा ये कंप्लीट होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के दो टाइप्स आती हैं, कौन सी, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर हमने पढ़ लिया, जिसमें हमने पढ़ा फॉर कंप्यूटर मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, और साथ में क्या पढ़ा हमने, डिवाइस ड्राइवर भी पढ़ लिया, और डिवाइस ड्राइवर का सिस्टम यूटिलिटीज, और कंप्यूटर मैनेजमेंट सॉरी डेवलपिंग सॉफ्टवेयर में कौन कौन सा पढ़ा हमने, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ट्रांसलेटर, लिंकर, लोडर, ये सारे हमने पढ़ लिए। इसके साथ ही ये हमारा क्या हो जाता है, ये यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाते हैं सॉफ्टवेयर, सिर्फ हार्डवेयर अभी रहता है। और मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में ये पढ़ाऊंगा शेयरवेयर, फ्रीवेयर क्या होता है, पब्लिक डोमेन क्या होता है, और ओपन सोर्स क्या होता है। ये बाकी तो चलो कॉम्प्लीमेंट्री लगा लें आप, लेकिन ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है ये पर्टिकुलर टॉपिक मेंशन है, अकाउंट असिस्टेंट में मेंशन है ये सॉफ्टवेयर, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप तब तक इसको रिवाइज करें बार बार, और जितना अपनी तरफ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितना रिवाइज कर सकते हैं, बाकी भी सिलेबस रिवाइज करें, ये भी साथ में रिवाइज करते रहें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।